तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एवरग्रीन है यहाँ पे और पीछे मेरे ग्लेशियर है। धूप थोड़ी सी कम आ रही है पर चलेगा, धूप होती तो और अच्छा होता, ग्लेशियर और ज़्यादा चमकते तो आपको और अच्छा दिखता। तो मैं ऊपर आ चुका हूँ, तो आपको नीचे का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो अभी मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो ये पिकनिक स्पॉट भी हो सकता है पर ये स्पिरिचुअल जगह है, तो यहाँ पे लोग ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, टॉप 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 जा रहे हैं लगातार कंटिन्यूस। काफ़ी पीसफुल जगह है ये भैरव टेंपल से जस्ट 100 मीटर ऊपर, जस्ट ओनली। तो ये कैंपिंग के लिए काफ़ी अच्छा स्पॉट हो सकता है, आई लाइक इट, आई लव इट। तो अभी अगर नेक्स्ट टाइम मैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़्यादा आऊँगा तो कैंपिंग करेंगे। फ़िलहाल मेरे साथ मेरा फ्रेंड ये है, तो इन्होंने बोला ऊपर चलना है। मैं तो लास्ट टाइम भी विज़िट कर चुका हूँ ये जगह, बस आप लोगों को दिखाना था कैसा है। तो यहाँ पर शूटिंग काफ़ी अच्छी चली, मंसूर का रोल निभाया सुशांत सिंह राजपूत ने, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा शूट हुआ था वो सारा अली खान। तो यही वो स्पॉट है जहाँ पे शूटिंग हुई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी लोग ऊपर विज़िट कर रहे हैं, यहाँ पे जो रेस्ट टाइम है यहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। और टेंपल के दर्शन भी अच्छे हो गए और ग्लेशियर भी है यहाँ पे, काफ़ी ठंडा है। और यहाँ से रवाना होना है हमें आज ही के दिन, तो 12 बजे तक हमें गौरीकुंड पहुँचना है, वहाँ से बुलेट स्टार्ट करके बद्रीनाथ जाना है। राइट हितेश, बद्रीनाथ। तो ये थक गए हैं हमारे फ्रेंड, तो इनको कहना है कि नहीं जाएंगे पर जाना है एक दिन, तो करेंगे यहाँ रेस्ट। नहीं यहाँ पे रेस्ट नहीं, अगले दिन जाएंगे कल। हाँ तो रात को सर्दी बहुत होती है यहाँ पे, तो अगर आप कैंपिंग कर रहे हो, टेंट लगा रहे हो, तो आप ठंड, आप लोग आए हैं तो एक दिन यहाँ स्पेंड करिए, या आप स्पेंड जरूर करिए एक बार यहाँ पे आके, काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ पे। भैरव भगवान का मंदिर और उसके बाद इसके ऊपर जो ग्लेशियर के व्यूज़ दिखते हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छे फोटोज़ आ सकते हैं आप लोगों की। तो ये फोटोग्राफी स्पॉट भी है, पर मैं और तो नहीं बोलना चाहूँगा कि ये स्पॉट है वो स्पॉट है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल एकदम आध्यात्मिक प्लेस है। तो बाकी लोग यहाँ कैंपिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो ये काफ़ी पॉपुलर प्लेस है, तो मैंने और एवरीथिंग विल बी कवर इन दिस यूट्यूब प्लेलिस्ट। तो मैंने केदारनाथ को काफ़ी एक्सप्लोर किया है, गौरीकुंड से लेके रामबाड़ा, बड़ी लिचौली, छोटी लिचौली और निंचौली, और काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया है यहाँ पे। आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने ट्रैकिंग दिखा दी है कैसे कैसे स्टेप है यहाँ पे। पंजीकरण ऋषिकेश का फर्स्ट व्लॉग और केदारनाथ का राउंड ट्रिप और आदि शंकराचार्य का राउंड ट्रिप मैंने दिखा दिया है, भैरव मंदिर मैंने आपको दिखा दिया है। तो मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया है, काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप एटलीस्ट कम से कम लाइफ वंस इन अ लाइफ एक बार ज़रूर आए यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। अगर आप एक बार आ जाएंगे तो आप बार बार ज़रूर आएंगे यहाँ पे, ये है ही ऐसी जगह। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा केदार की ब्लेसिंग आप सबके लिए हो, आप सबको सुख और खुशी और इन्जॉयफुल और कष्ट मुक्त आपको करे बाबा केदारनाथ। ये विशेष मेरे को, मेरी फैमिली एंड इंटायर ऑल माय यूट्यूब फैमिली एंड इंटायर माय ऑल फ्रेंड एंड इंटायर ऑल यूनिवर्स के लिए मेरा ये विशेष है सबके लिए। तो यहाँ पे डोली, शायद मुझे लग रहा है कि डोली आ रही है बाबा भैरव के यहाँ, भैरव टेम्पल। तो मैं आपको उस तरफ भी एक लुक दिखा देता हूँ। तो ढोल बज रहे हैं, तो ये अक्सर तभी बजते हैं जब कोई डोली आती है, उसमें हमारे देवता विराजमान होते हैं। तो मैं नीचे आपको व्यू दिखा देता हूँ एक बार।
अगर मैं चाहता हूँ आपको ऊपर का भी थोड़ा ट्रैकिंग दिखा दूँ ऊपर, पर मैं थक बहुत चुका हूँ। तो ट्रैकिंग ऊपर, तो ऊपर का भी ट्रैकिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये लास्ट ट्रैकिंग है, इसके बाद केदारनाथ में और कोई ट्रैक नहीं है। ट्रैक है तो बहुत ही ऊपर है, ऊपर वो एक्सट्रीम पॉइंट है ट्रैकिंग का, तो मैं एक बार आपको ऊपर जरूर लेके जाता हूँ। ओके, लेट्स गो। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोल दिया आने के लिए, वो आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ का 360 व्यू दिखा देता हूँ कैसा है। मेरे को आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा, जब आपने इतने ट्रैकिंग कर लिए तो पूरी ट्रैकिंग कर लो, मतलब केदारनाथ के ऊपर भी ट्रैकिंग है उसको भी आप कवर कर लो अगर आप में टाइम है। मेरे पे टाइम नहीं है, पर फिर भी मैं, चलो आप YouTube फैमिली को दिखाना है तो मैं ट्रैकिंग कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। खैर मेरे लिए भी है, सबके लिए है। तो मुझे वैसे जाना तो नीचे ही था, पर मैंने सोचा आपके लिए ट्रैकिंग क्यों ना की जाए। इसके बाद एक ही लास्ट ट्रैक है, वो मैं आपको पॉइंटिंग कर दूँगा किस साइड है। ये मेरे पीछे जहाँ पे अभी जाना है, ये ट्रैकिंग मैं कर लूँगा अभी। उसके बाद ये लास्ट ट्रैकिंग बसता है मेरे पीछे, ये वाला, तो ये लास्ट ट्रैकिंग है। इसके बाद कोई ट्रैकिंग नहीं है केदारनाथ की, ये एक्सट्रीम हो चुका है, काफ़ी प्रो लेवल ट्रैकिंग कर चुका हूँ मैं। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ऐसा मन करता है कि यहाँ पर घर बना लो, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। काफ़ी शांति है, काफ़ी पीस है यहाँ पर। थोड़ा भी केयरफुल आप स्टेप डालिए, अपना डाउन साइड है तो पाँव स्लिप भी हो सकते हैं, स्लिपरी है थोड़ा स्टोन, तो ऐसा ना हो कि आपको चोट लग जाए बाय स्लिपिंग योर फुट और एंकर आपका मुड़ जाए पाँव के। तो इस चीज़ का ध्यान रखना ट्रैकिंग में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं ऊपर ऊपर आ चुका हूँ, भैरव टेम्पल का पूरा नज़ारा आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, भैरव जी। तो ट्रैकिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, थकान लगती है पर उतना ही मज़ा बहुत आ जाता है ट्रैकिंग करते करते। तो यहाँ पे त्रिशूल स्टोन के काफ़ी अच्छे आर्किटेक्ट कर रखा है, डिज़ाइन पैटर्न बना रखे हैं स्टोन के। आई लाइक इट एंड आई लव इट, दिस ऑल लुकिंग लाइक फैबुलस। ओम त्रिशूल, जो भी हमारे शिव जी के सिंबल हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं लोगों ने। सी तो अभी थोड़ा प्रसाद मिस हो गया, वो है वहाँ पे रखे हुए यार, पूरे प्रसाद लेके आऊँ। तो उसमें ऊपर तो नहीं लाया ना मैंने, इतने से तो लिया। मैं ऊपर ट्रैकिंग दिखा देता हूँ यूट्यूब यार, मैं दिखा देता हूँ, समझा करना ले लेंगे। चलो तो प्रसाद रखा हुआ है वहाँ पे, वो मिस हो गया था ट्रैकिंग, मेरे फ्रेंड ने बोला था ट्रैकिंग करने के लिए, तो मैं शूज़ पहन रहा था, वेयर कर रहा था, तो उसी टाइम स्किप हो गया माइंड से कि प्रसाद रह गया नीचे। डोली आ चुकी है राइट, तो ट्रैकिंग जस्ट इतना ही है, डोली को कवर करते हैं। काफ़ी भीड़ भी हो गया, कौन सी डोली आई? तो डोली आ गई, ये तो काफ़ी ओकेजनली है, काफ़ी अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है ये। तो मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि वो भी और ट्रैक करना है। तो ये त्रिशूल बने हुए नीचे, तो यहाँ से आपको वो व्यू दिखेगा जो केदारनाथ आपदा में आया था, केदारनाथ डिजास्टर। तो ये वो व्यू है,
आई डोंट थिंक सो कि कितने यूट्यूबर ने ये प्लेस कवर की है, बट अगर किए तो उनमें से मैं भी एक हूँ जो ये जगह कवर कर रहे हैं। तो ये है केदारनाथ। काफ़ी ऊपर आ गया, अभी और ऊपर चलना है तो ऊपर और चला जाए। तो नेशनल डिजास्टर, वे ऑफ नेशनल डिजास्टर आप देख सकते हो सामने मेरे। भीमशिला ने केदारनाथ टेम्पल को बचा लिया, तो ये इनकी मान्यता है, ये इसकी हिस्ट्री है केदारनाथ की, ये इतिहास है। और मैं ट्रैकिंग दिखाता हूँ आपको सामने की। काफ़ी थक गया मैं, बॉडी डिहाइड्रेशन जैसी लग रही है, पानी लिया नहीं ऊपर अभी। ये वो ट्रैक है जो भैरव टेम्पल के लिए आता है, दिस वे। तो मैं पीक पॉइंट में आ चुका हूँ। आई लव इट ट्रैकिंग। मैं आपको ऑल राउंडिंग व्यू दिखाता हूँ टॉप ऑफ द केदारनाथ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई होप सो कि आप भी काफ़ी इन्जॉय कर पा रहे होंगे। ये नेचुरल ग्राउंड स्टेज रिकॉर्डिंग है, ब्लॉगिंग है, कोई कट नहीं, ओए ओए, कोई एडिटिंग नहीं, जस्ट नेचुरल रिकॉर्डिंग। तो मेरा फ्रेंड है वो काफ़ी एक्साइटेड रहता है ऐसी जगहों को बैठने के लिए, जैसे यहाँ पे बैठ चुका है। तो थोड़ा मुझे डर सा लग रहा है कहीं स्लीप ना हो जा पाऊँ। जय बाबा केदार। तो मैं एक्सट्रीम पॉइंट में आ चुका हूँ। वहाँ पे एक झील थी तो उसके तीन पार्टीशन बने, उसका पानी टूटा तो ग्लेशियर इस तरीके से फटा था कि यहाँ पे थ्री पार्टीशन दिख रहे हैं आपको, एक दो और एक ऊपर से तीन, तीसरा उस साइड से है। तो उस साइड से भी जगह नहीं बची भागने के लिए, जिस वजह से काफ़ी लोगों की ह्यूज अमाउंट ऑफ डेथ हुई, काफ़ी लोग मरे यहाँ पे केदारनाथ में, क्योंकि जब ग्लेशियर फटा था वो वाइड एंगल को कवर करते हुए गया।
तो ये काफ़ी डेंजरस था, इसमें बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। बाबा केदार उन सबकी आत्मा को शांति दे जो जिन्होंने अपनी जवान गंवाई एज अ श्रद्धालु। ऑन जून 2013 केदारनाथ डिजास्टर अब जो आपदा आई थी, और मेरा भी आप देख चुके हैं बाबा केदार जी का टेंपल वो रहा, तो बाबा जी केदार वहाँ पे बसे हुए हैं। और बाकी ये पुल है, और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी हैं, तो उनकी समाधि इस साइड, समाधि नहीं सॉरी, उनका वो जो अपना ध्यान कक्ष है, जब भी वो केदारनाथ आते हैं अपना ध्यान कक्ष में वो हमेशा वहीं जाते हैं, तो वो उनके नाम के ऊपर डेडिकेट है, वो उनके लिए है। उस साइड तो मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि टाइम की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है, बद्रीनाथ भी जाना है, तो हेलीपैड की सेवा कंटिन्यूस रेडी है, तो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतनी सारी चीज़ों को कवर कर पाया आप लोगों के लिए, अपने के लिए, सबके लिए। काफ़ी अच्छा सौभाग्य है, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, मैंने अपनी वीकेंड को काफ़ी अच्छा यूटिलाइज़ किया। कल संडे है तो कल भी वीकेंड है, तो कल भी मैं आपको बद्रीनाथ का ट्रिप दिखाऊँगा और रोड ट्रिप दिखाऊँगा कैसा है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मैंने ग्राउंड स्टेज से सारी पूरी यात्रा कवर की है, इसमें टेम्परेचर, पालकी, पिट्ठू सब कुछ है। यहाँ पे पालकी का मैं बता दूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये 2000 है, डिपेंड करता है डिस्टेंस टू डिस्टेंस, और इसमें मैं फिक्स भी नहीं बता सकता आपको क्या रेट है, ये ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा गवर्नमेंट की वेबसाइट में। हेलीकॉप्टर का मुझे पता है, हेलीकॉप्टर का आई थिंक इतना कितना होगा, 5 से 10 हज़ार के बीच में हेलीकॉप्टर की सेवा है। पर सडनली ये सेवा तब तक के लिए है जब तक वेदर सही है, जैसे ही वेदर ख़राब हुआ तो इसकी कोई गारंटी नहीं है शासन और प्रशासन द्वारा। इसका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की वेबसाइट से होते हैं, पर ये जो है वो प्राइवेट के लिए है, प्राइवेट कंपनी इसको ऑपरेट करती है, रजिस्ट्रेशन इसके गवर्नमेंट के हैं, तो अब उसमें रिफंड का इशू रहता है बना हुआ, क्योंकि प्रॉपरली वो डेडिकेटेड नहीं है उसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, तो थोड़ा इशू है इसमें, रिस्क रहता है कि वो अगर आपकी एक मिस हो गया शेड्यूल एक डे का, नेक्स्ट डे वो अरेंज कर लें। पर ये है कि वीआईपी एंट्री इनके लिए है, जो चॉपर से आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, तो इनके लिए वीआईपी एंट्री है केदारनाथ के अंदर जाने के लिए, तो ये बात है। बाकी तो सब कुछ मैं कवर कर चुका हूँ, केदारनाथ की हिस्ट्री सब कुछ मैं कवर कर चुका हूँ यहाँ पे। और केदारनाथ जो आपदा आई थी मेरे सामने आप देख पा रहे हैं लैंडस्केप व्यू में, यहाँ से ग्लेशियर फटा था और ये 3 पार्टीशन में डिविडेंट हुआ था, 1 पार्टीशन देयर एंड 1 पार्टीशन देयर, द बोथ पार्टीशन इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ग्लेशियर। तो ग्लेशियर से आते आते ये जो भीमशिला है हमारा, इन्होंने ऐसे में बचाया था, जैसे ऐसे में आ रहा है ना, ऐसे में आ रहा है, तो ग्लेशियर भीमशिला ने बचा के पानी डाइवर्ट कर दिया, तो इस वजह से ये बच गया। बाकी जो जाने गई उसके लिए अफसोस है, पर ये नेशनल डिजास्टर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना इसमें गवर्नमेंट का फॉल्ट है ना किसी और का। इसमें जो फॉल्ट है थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि तीर्थ यात्री उतने ही आए जितने तीर्थ धाम पे उसकी व्यवस्था है, जितनी उनकी कैपेसिटी या क्षमता है, और यही जो था कंट्रोवर्सी केदारनाथ मूवी में दिखाया था कि यात्रा तीर्थ के लिए है और ये व्यापार है तीर्थ का। व्यापार ठीक है, वो अपनी जगह है, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक अपनी जगह है, व्यापार को इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि हद से ज़्यादा आपदा के साथ अगर आप प्ले करेंगे तो नेचुरल डिजास्टर आपको छोड़ेगा नहीं, ये मेरा स्टेटमेंट है केदारनाथ के व्यापारियों के लिए। तो बी लिमिट, तो अभी ठीक है, अभी सही हो रहा है, पर अभी भी उतना सही नहीं है। जो अमरनाथ यात्रा का मैंने पंजीकरण किया उसमें फ़िक्स है कि 2500 श्रद्धालु ही आएंगे, पर यहाँ पे भी फिक्स नहीं है, यहाँ पे अनलिमिटेड है, पर अनलिमिटेड भी है पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, पर वो अमाउंट बताया ही नहीं गया। अमरनाथ में 2500 का है, वहाँ पे साफ लिखा रहता है उनके पोर्टल में sharanamarnathyatra.gov.in, जो भी उनकी वेबसाइट है यही है आई थिंक, मैंने रजिस्ट्रेशन किया है 17 अगस्त को, तो 18, 19, 20
अगस्त एंड में आपको अमरनाथ का भी व्लॉग मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अमरनाथ प्लेलिस्ट नाम होगा और इसका केदारनाथ प्लेलिस्ट और जो अगला बद्रीनाथ है बद्रीनाथ प्लेलिस्ट। तो ऐसी चार धामों की प्लेलिस्ट होगी। अमरनाथ का मैंने बता दिया, उसमें फिक्स नंबर है 2500। प्रशासन ने सिर्फ 2500 को अलाउ किया जम्मू एंड कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को वन डे के हिसाब से। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं पर ह्यूज अमाउंट है फिर भी। पर ठीक है, कैलेंडर काफ़ी लॉन्ग है केदारनाथ का, चार धाम का, गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ। तो ये 6 महीने तक की यात्रा है, तो इसमें काफ़ी लोग स्टिल काफ़ी अभी भी आ रहे हैं। 6 महीने तक पता नहीं कितने आते हैं। मानसून जून है, जून मानसून सून होगा जून एंड जुलाई, तो उसमें मानसून काफ़ी भारी बारिश रहेगी, तो आप अवॉइड करना। उस टाइम पे शायद लोकल लोग ज़्यादा विजिट करते हैं जो एक्सपीरियंस है। तो अगर आप जून जुलाई में आएंगे तो वो आपके लिए थोड़ा रिस्की होगा और हार्ड ट्रैकिंग बन जाएगी आपके लिए, क्योंकि कीचड़ हो जाएगा, स्लिपरी आपके फुटपाथ जो इनके हैं रोड, उन पर स्लिप होते रहेंगे। तो वो पहली डिस्टेंस इतना ज़्यादा है 21 किलोमीटर का, फिर आपको और ज़्यादा लगेगा जब आप ठीक से चल भी नहीं पाओगे उसके ऊपर। तो अवॉइड करें जून एंड जुलाई को केदारनाथ, बाकी आप किसी भी टाइम पर आ सकते हैं। और एंड टाइम पर आएंगे तो रश कम मिलेगा, अभी आओगे तो रश बहुत ज़्यादा है। बट कोई नहीं, मैंने इन्जॉय किया काफ़ी अच्छा, दर्शन किए, ट्रैकिंग किया, काफ़ी अच्छा अनुभव एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे है। जय भोलेनाथ, जय केदार, जय बद्री विशाल। यही शब्दों के साथ मैं अपना केदारनाथ का ब्लॉग ऑफ करता हूँ। अब मिलते हैं बद्रीनाथ के ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए माइल्स ऑन स्टेप्स के साथ एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल माइल्स ऑन स्टेप्स एंड हिट द बेल आइकन एंड कमेंट कि आपके गवर्नमेंट के अपोनेंट हो या गवर्नमेंट के फेवर पे हो, आप उसके अगेंस्ट हो या फेवर पे हो, यह भी आप बता देना कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मॉडिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या यहाँ पे किए हैं जो भी आप वीडियो पे देख पा रहे हैं, और ये लोकल लोगों के लिए सही है या उनके फेवर में है या उनके फेवर के अगेंस्ट में है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है और मुझे बतानी है, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और बने रहिए माइल्स ऑन स्टेप्स के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, बाय बाय।